अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा। हाय गाइस, वेलकम एवरीवन। थोड़ा बाहर से आया हूँ, सैनिटाइज कर लूँ बिकॉज इस टाइम पे सैनिटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्लैट एग्जाम भी आ रहा, वैसे भी सैनिटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मास्क ला के जाइए और लेट्स कॉन्टिन्यू टू द वीडियो। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है कि रैगिंग इन एनएलयूज, क्या एनएलयूज में रैगिंग होती क्या होती है। सो द स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। सो ये इंसिडेंट हुआ था व्हेन आई वाज जस्ट एंटर्ड द लॉ स्कूल, द आर्मी एनएलयू, नेशनल यूनिवर्सिटी लखनऊ। सो क्या था कि मैं जब नेशनल यूनिवर्सिटी लखनऊ में गया, सो मैंने बहुत सारे कॉलेज को छोड़ा, फिर मैंने इसीलिए इस कॉलेज को चूज करा, एनएलयू लखनऊ को। चूज करने के बाद दैट वाज द थर्ड डे ऑफ द ओरिएंटेशन। तो जब भी आप कॉलेज में एंटर करते हैं तो पहले 3 दिन आपका ओरिएंटेशन क्लास होती है। इसमें आपको दिखाया था ये सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट होते हैं, आपको जो चूज करना है बीए के सब्जेक्ट्स, उसमें से आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। तो खैर मुझे तो सब्जेक्ट्स पसंद थे, मैंने उस दिन ओरिएंटेशन क्लासेस करी और ओरिएंटेशन क्लास करने के बाद मैं गया अपने हॉस्टल रूम, क्योंकि अगर आपने कॉलेज में एडमिशन लिया तो आपको हॉस्टल रूम पक्का अलॉट होगा और मेस की फीस भी आपको पक्का देनी पड़ेगी। वो बाद में सब हट जाता है अगर आप चाहें तो, बट इनिशियली स्टार्टिंग ऐसी होती है। सो हम लोगों ने वैसी एंट्री ली, गए हम लोग हॉस्टल, गए मेस में खाना खाया एंड देन वी केम बैक टू अवर हॉस्टल। तो मैं अपने हॉस्टल रूम में नहीं गया और मैं अपने फ्रेंड है, मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था, बाद में वो दूसरे एनएलयू चला गया, बट लेकिन एज अ वेकेंट सीट में, बट लेकिन मैं उसके हॉस्टल रूम में चला गया और बैठा आराम से बैठा था। तभी क्या हुआ, जस्ट दिस हैपेंड कि जब हम जो बैठे थे रूम में, हम लोगों ने रूम को उड़ा के रखा हुआ था, रूम पे हम लोगों ने शिटकनी नहीं लगाई थी। द रीजन वॉज कि हम लोग सोचे क्या अभी थोड़ी दिन के बाद क्या शिटकनी क्या कर लगाओगे, सब कोई बैठा है तो मैंने जो है ना, तो हम लोगों ने नहीं लगाया। बट एक थोड़ा सा एनएलयू में घुसने के बाद एक हल्का सा, आई वुड से दैट वॉज द वर्स्ट पार्ट, कि थोड़ा सा एक फियर की फीलिंग आ रही थी। आई मीन बहुत सारी कहानियाँ चल रही थी, भाई एनएलयूज में रैगिंग होती है, ये होती है, थोड़ा मैंने सुना हुआ था कि चलती है, ठीक है मैंने सुना था तो, लेकिन वो माहौल मुझे बहुत खराब लगा, ठीक है। बट चलिए हम लोग गए, आराम से बैठे। अब हम लोग के साथ 4-5 दोस्त थे और नए दोस्त भी बन गए, नए फ्रेंड्स भी बन गए थे हम लोगों के। और जब हम लोग वहां जाके बैठे, सब लोग बात कर रहे थे, नॉर्मल बात कर रहे थे, अचानक से डोर बहुत तेज खुलता है। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यू नो व्हाट, इफ यू डोंट सब्सक्राइब दिस चैनल It's gonna haunt you all night. रात भर चुड़ैले पीछे पड़ेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। What's gonna tell you कि हमारे चैनल में बहुत सारे स्ट्रैटेजीज वीडियो हैं, वो उसको देखिए और घर पे बैठ के इसका एंजॉय लीजिए, कैसे आप स्ट्रैटेजीज को घर पे समझ सकते हैं। और अगर आपको पढ़ाई करनी है, कोचिंग करनी है, तो आप बहुत ही अच्छे कोचेज अनअकैडमी विल टीच यू। आप कहीं भी हैं, कैसे भी हैं, कहाँ भी हैं, आप इस कोचिंग को कर सकते हैं। आप क्लैट की अपनी प्रिपरेशंस को कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको एनअकैडमी पे एनएलयू के टीचर्स पढ़ाने वाले, आपको नेशनल मॉक के एक्सेस भी मिल सकती, अनलिमिटेड क्विजेस, क्योंकि क्लैट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। और वीकली टॉपर्स के इंटरव्यूज आते रहते हैं। रैंकर्स बैच स्टार्ट हो चुका है जो कि एलेट 2021 के लिए 2 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। यू कैन ज्वाइन नेशनल मॉक टेस्ट सीरीज, 30 डेज के मॉक सीरीज है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। जो स्टूडेंट्स क्लैट 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑफर है। अच्छा ऑफर क्या है कि वो आरम बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं इतने मंथ्स का, तो इतना एक्स्ट्रा मंथ्स को मिल रहा है। तो गाइज, ये पूरा कोर्स आप एक चाय और एक समोसा से कम दाम में दिन का आप खर्च करके आप इस कोर्सेज को ले सकते हैं और आपकी नॉलेज बढ़ेगी। आप एनएलयू में जाओगे, एनएलयू में जाने के बाद अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और सब कुछ खुलेगा, बस एक चाय और समोसे के दाम में। जस्ट गो एंड चेक इट आउट गाइस। एलॉफ्ट कोड इस्तेमाल कर लिया तो सिर्फ एक चाय के दाम पे मिल सकता है आपको। अभी भी लगता है आपको कि ये प्राइस ज्यादा है, व्हाई नॉट गिव दिस कॉम्पिटिटिव टेस्ट। ये कॉम्पिटिटिव टेस्ट होने वाला है, स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। जो इसको एंड गिव इट, शो योर नॉलेज। आपने अभी तक जितना पढ़ा, जितना सीखा, जितनी स्ट्रेटेजीज यहाँ पे सीखी, वो सब जाके वहां लगाइए और वहां पे अच्छी रैंक लाइए और अच्छी स्कॉलरशिप जीतिए। और बहुत सारे प्राइजेस हैं, यू नो दैट, बहुत सारे हैं। हर फ्राइडे अनअकैडमी का ये लीगल एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है, ये आप दे सकते हैं। और ये 4 to 5 60 क्वेश्चन का होता है और 60 मिनट्स का टाइम है। तो गाइस, इस वीक अनअकैडमी के 2 इवेंट्स उनके अनअकैडमी के क्लैट चैनल पे निकले हुए हैं। आप तुरंत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत सारे इंटरव्यूज, वीकली इंटरव्यूज आते रहते हैं टॉपर्स के, एंड दैट्स रियली गुड। आपको वहां से सीखना बहुत जरूरी है। तो गाइस, हम लोग बात कर रहे थे कि अचानक से डोर खुलता है। तो जब डोर खुलता है अचानक से, अराउंड 4 स्टूडेंट्स आते हैं एंड दे वर सीनियर, सेकेंड ईयर्स के थे हमारे। मुझे तो शायद नाम भी इनको सही से नहीं पता, अभी भी नहीं पता, बट वो 4 सीनियर 4 सीनियर थे हम लोगों के। एंड दे केम इनसाइड द हॉस्टल रूम। हॉस्टल रूम के अंदर आते हैं, बोलते हैं सर खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े खड़े हो जाओ। हम लोगों ने बोला ये क्यों बोल रहे हैं, मैं समझ गया ये वही वाला इंसिडेंट था, बट मैंने सोच लिया था कि मैं इन सबसे फालतू का नहीं करने वाला, मुझे मिलना मिलना नहीं है, सब फालतू लोग हैं। ठीक है, बोले खड़े हो जाओ, सब कोई खड़ा हो गया, चलो मैं भी खड़ा हो गया। मैंने कहा चलो मान लेते हैं बात, सब खड़े हो रहे हैं, ठीक है। और एक्चुअली बात क्या थी कि चलो मैं मान लो चीज़ों से ना डरूं, बट आपके फ्रेंड्स डरते हैं ना, आपके फ्रेंड्स सोचते हैं भाई 4 साल में हम लोग को 5 ईयर रहना है, 5 ईयर रहना है, तो हम लोग अच्छे बना के चलना पड़ेगा, रिलेशनशिप विद सीनियर्स प्रॉब्लम हो जाएगी, हम एक बदतमीजी करेंगे इनसे अभी। तो ठीक ये था, मैंने इन सब बातों पर मेरे विश्वास बहुत कम करता था। तो मेरे साथ जो सीन हुआ वो मैं तुमको रैगिंग का बताता हूँ। तो ये हुआ, इसके बाद क्या हुआ कि वो खड़ा होकर खड़े होकर ठीक है सब बोला हैंड्स बैक, हाथ पीछे कर लो। मैंने कहा ये ऑर्डर क्यों कर रहा है, मैंने नहीं करा। तो बोला ए हाथ क्यों नहीं पीछे कर रहा। मैंने कहा कर लूंगा, तो क्या अभी रुक जाइए थोड़ा सा। तो कहें ज़्यादा शाड़ा बन रहा है, ज़्यादा तेज बन रहा है। मैंने कहा इसमें इतनी बड़ी बात क्या है गुस्सा आने की, भाई मैं हाथ पीछे नहीं कर रहा हूँ। तो बोला चल अच्छा अपना इंट्रोडक्शन दे, तू अपना पहले दे। मैं मुझसे से बोला, मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा माय नेम इज अविनाश, मैं लखनऊ का हूँ, यहीं से कोचिंग करी, यहीं से NLU निकाला, ठीक। अपनी वही कहानी बताई। तो मैंने बोला भैया, क्या भैया किसको बोला, अबे भैया किसको बोला। मैंने कहा सर, मैंने कहा भैया आपको बोला। कह रहा बे भैया नहीं बोलने का, तेरा रिश्तेदार नहीं हूं मैं, भैया नहीं सर चलेगा। मैंने कहा सर मतलब मुझे लगेगा आप सर के लायक हो तो सर बोलूंगा, अगर नहीं होगा तो नहीं। और ये मैं अपने NLU की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे NLUs का ये हाल है, तो कुछ कुछ ये इंसिडेंट हो जाते हैं। तो ये हुआ, ठीक है। तो चलो ठीक है, मैंने ऐसा नाम ठीक है चलो ठीक कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि और मुझे अपने दोस्तों का भी सोचना था क्योंकि वो बहुत डर रहे थे। द सेकेंड केस केम कि उनसे जब बात करने लगे हम लोग, तो फिर वो बोलने लगे अपना इंट्रोडक्शन, हमने इंट्रोडक्शन दे दिया। फिर बोला कि अपनी आंखें 3rd बटन पे होनी चाहिए। मैंने भी थोड़ा डाउन कर लिया, मैंने कहा चलो ठीक है कर लेते हैं। उन्होंने बोला अपनी आंखें 3rd पे, तो मैंने कोई ज़्यादा नहीं करा, तो और नीचे कर, मैंने हल्का सा कर लिया, ठीक है। फिर उसके मुझसे बोलने लगा कि और कुछ पूछने लगा, तो मैंने हंस दिया, कुछ ऐसा बोलने लगा, उसने कुछ बोला, मैंने हंस दिया, तो बोले अबे हंस क्यों रहा है, हंस क्यों रहा है। अब वो 4 थे, बोले हंस कर रहा। उसमें से एक तो पूरा शराबी लग रहा था, पूरा लग रहा था एकदम नशे में। तो ये हर कॉलेज का सीन है, ये कोई NLU का सीन नहीं है, ठीक है। ये आपको बहुत मैं अपने वीडियोज बनाऊंगा कि क्या सावधानी रहनी है, आपको कैसे एकदम स्मार्ट वे में चलना पड़ेगा कॉलेज में, वरना कॉलेज में प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो वो एक लड़का था, वो मुझे लग रहा था पूरा एकदम नशे में था। ये केम टू जिस तरह से वो बोल रहा था, बात कर रहा था, आँखें देख के लग रहा था। जब उसने मुझे हटाटा ऐसे बोला कि हंस क्यों रहा है, मैं भी हंसता गया। तो मैं दोस्तों पर ए इसको समझा ले वरना यहाँ रह नहीं पाएगा, कॉलेज छोड़ के जाएगा, मुझसे ऐसा बोला। मैंने कहा चलो ठीक है, इनकी दादागिरी है, चल जाएगी। तो गाइज ये मेरा फर्स्ट इंसिडेंट था और ये ऐसा रहा। फिर वो चले गए हॉस्टल के बाद, लेकिन फिर जब भी वो मुझसे मिलता था वो मुझे घूर घूर के देखता था एवरी टाइम व्हेन वी मेट, क्योंकि रास्ते में आते आते तो रहते थे। और विश करना बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे, मतलब समझ रहे थे ना, मतलब वो बना कर रखा है कि विश नहीं करोगे तो पकड़ लूंगा तुम्हें। अब मेरी क्या थी, मेरी पूरे 2nd ईयर से पूरी दुश्मनी टाइप में चलने लगी थी कि भाई ये है ज़्यादा बन रहा है, ज़्यादा बात नहीं सुन रहा है, ये बहुत बड़ा लीडर बन रहा है यहाँ का, ठीक है। वो बोलने लगा मुझे और फिर बार बार मुझे घूर के देखे, मतलब मैं मेस में खाना खाने जा रहा हूँ, मुझे घूर के देख रहा है वही 4 लड़के। अब वो मुश्किल पर कुछ कर नहीं पाए, बट लेकिन क्या हुआ कि थोड़ा सा गुस्सा आ गया। तो मेरे गाइस मैं सबसे बड़ी इंसिडेंट आता हूँ कि आप किसी भी कॉलेज जाएंगे, मैं हर कॉलेज का नहीं बोल सकता, आप NLUs जाएंगे तो बहुत सारे NLUs में ऐसा सीन है, थोड़ा सीन है, बिकॉज गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और नई चीज़ें हैं, मतलब एंटी रैगिंग कमेटी सब कुछ है। मैं आपको साथ बता दूँ, एक एंटी रैगिंग कमेटी था, उसका मेंबर ही को बाद में सस्पेंड करना पड़ा। आपको साथ इंसिडेंट बताता हूँ, एक मेरे फ्रेंड था, उसके साथ रैग हो रहा था थोड़ा बहुत छोटा मोटा, जो जब रैगिंग हो रही थी तो उसने कंप्लेन कर दी, कंप्लेन करने के बाद वो सस्पेंड हो गया। और मैं मैं थोड़ा सा आपको बात सीरियसली बता दूँ कि वो मेरा फ्रेंड भी बन गया बाद में। आज समझ जो मेरा रैगिंग ले रहा था वो बाद में मेरा फ्रेंड बन गया, उसको कि मैंने उसका एक टैलेंट देखा कि वो थिएटर कितना अच्छा करता है। मे बी वो शायद हम किसी दिन उसको लाएं अपने इस पॉडकास्ट टाइप में, बट उससे मैंने बहुत कुछ सीखा कि भाई वो कितना अच्छा थिएटर करता था, उसमें कुछ था। मैंने सोचा भाई मैंने ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं तो सुन लेना चाहिए, बट लेकिन इन सब बातों देखिए कभी भी रैगिंग होती है ये ध्यान रखिएगा, डरने वाला नहीं है, वो कोशिश करेंगे बहुत पूरी, कोई कहीं गुंडे नहीं है, वो भी आपकी तरह CLAT निकाल के आए हैं, बट क्या उनके साथ हुआ तो सोचते हैं मैं भी करूँगा सबके साथ। तो सेम मेंटालिटी हमारे कॉलेज में भी बच्चे हैं जो उनके साथ उस साल हुआ था, वो सोच रहे थे भाई मैं भी होगा। तो उन बच्चों के साथ भी ज़्यादा होता है जो हॉस्टल में रहते हैं, जैसे हम लोग हॉस्टल में नहीं रहते थे, हम लोग साथ ज़्यादा नहीं हुआ, बट जो हॉस्टल में रहते थोड़ा ज़्यादा। जैसे क्या क्या तरह की होती है रैगिंग, मैं आपको हल्का सा देता हूँ। तो गाइज उन स्टूडेंट के साथ ज़्यादा होती है जो खुद ही करवाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट थे, मेरे फ्रेंड्स थे जो खुद ही करवाते तो उनको मज़ा आता था, उनको लगता था इतना प्रॉपर कॉम्बिनेशन बन जाएगा अपने सीनियर के साथ ही, मज़ा आ जाएगा, वो हमारा प्लेसमेंट करवा देंगे। मतलब ऐसा ऐसा था। एक स्टूडेंट था, मेरा फ्रेंड था, तो क्या था कि उससे सीनियर्स बोलते थे कि चल चम्मच से पानी भरो, व्हाट कूलर में पानी भरो चम्मच से, स्पून को ऐसे करते और डालते जाओ। तो मतलब फालतू वाले काम, पोल से शादी, पोल डांस, छिपकली बन जाओ, इस तरह की चीज़ें ये सब चलती रहती, और भी कुछ थोड़ा सा बेकार काम होते रहते थे। तो थोड़ा बहुत होता है, और मेरे से गर्ल्स साइड ज़्यादा कुछ नहीं होता है, कम होता है, अगर होता भी है बिल्डिंग के बॉयज साइड थोड़ा सा ये सिस्टम होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कभी भी डरने का नहीं, इसमें अगर डरेंगे तो और डराने वाले हैं ये लोग। तो सेम ये मेरे साथ हुआ था, तो इसे डरने का सिस्टम नहीं है, अगर डरेंगे तो ये लोग और डराएंगे, इनका यही काम रहता है। और ज़्यादा देखेंगे फालतू बच्चे होते हैं, मैंने इनको देखा है, ज़्यादा गौर करा है, फालतू बच्चे होते हैं जो राग वैग में घुसते हैं। बिकॉज मैंने जितने इंटेलिजेंट और जीनियस स्टूडेंट्स को देखा है अपने कॉलेज में, वो हम लोग को मना कर देता, मतलब वी विश देम, मैंने कहा गुड मॉर्निंग सर, लेकिन बाद में क्या हुआ, सर हम लोग का ऐसा रिस्पेक्ट निकलने लगी कुछ लोगों के लिए, ऐसा भी हो गया। तो मतलब गुड मॉर्निंग भैया या गुड मॉर्निंग सर जो भी आप बोल रहे हैं, तो वो मना करते थे कि डोंट डू दिस, हमारे साथ ना करो, माँ साहब मना करते थे। तो ऐसे भी सीनियर्स थे, तो समझ रहे ज़्यादातर जो ये होते हैं ना, इस सिक माइंड सेट के होते हैं, इनके साथ हुआ होता है तो ये भी करने की कोशिश करते हैं, पर एक आराम से मज़ेदार कंप्लेन करेंगे, आराम से सस्पेंशन होता है। तो एक भैया का था, उनका सस्पेंशन हुआ था, मुझे पता है, और वही हमारे फ्रेंड के साथ, उनके साथ कुछ हुआ था, कुछ बवाल हुआ था और सस्पेंशन। इस तरह मेरी एक कहानी नहीं, मैं 2-3 बार इंसिडेंट हुआ था, क्योंकि मेरी थोड़ा सा एक तरह से दुश्मनी टाइप की हो गई थी एक तरह से सीनियर्स से। तो वो मैं इंसिडेंस नेक्स्ट किसी स्टोरी में बताऊंगा, बट लेकिन ये था। तो भाई अगर ज़्यादा रैगिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, जस्ट डायल 100 को भी डायल कर सकते हैं, तुरंत पुलिस आएगी, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। जैसे मेरा एक फ्रेंड था, हिज फादर वॉज एन IPS ऑफिसर, कॉल कर दिया, काम वहीं पे सुलट गया। आप अगर कुछ भी नॉर्मल स्टूडेंट 100 पे कॉल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस आएगी, आराम से बात होगी, आराम से मैटर सुलझ जाएगा। आपको लगता है मैटर बढ़ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैटर एकदम शांत हो जाएगा बाद में। तो गाइज ये टोल फ्री नंबर है, ये वेबसाइट है, आप इस पर जाके कंप्लेन भी कर सकते हैं। आप जब हॉस्टल में जाएंगे तो ये सब अगल बगल लिखा भी रहेगा, इट्स एंटी रैगिंग जोन, और वहाँ पे नंबर्स लेके रहेंगे, आप तुरंत कॉल कर सकते हैं, तुरंत हेल्प मिलेगी। और अगर किसी स्टूडेंट को लगता है उसको प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, तो मुझसे डायरेक्टली वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। अगर NLUs में या किसी कॉलेज में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझसे डायरेक्टली, मैं खुद अथॉरिटीज़ आपके यहाँ पे कॉल और बात कर सकता हूँ अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम, बिकॉज मुझे पता है बुली इतना प्रॉब्लम होता है, इतना गलत माहौल हो जाता है कभी कभी, मतलब हर कॉलेज का है, किसी भी कॉलेज में आप है, अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे बताइए, क्योंकि वो डेवलपमेंट फेज का नहीं फेज होता है, वो फेज बहुत ख़राब होता है किसी भी कॉलेज के लिए जहाँ पे ऐसा माहौल क्रिएट होता है। एंटी रैगिंग कमिटीज़ होंगी आपके कॉलेज में, आपके हॉस्टल में, आपके सीनियर्स ही एंटी रैगिंग होंगे, आपके बैच के कोई स्टूडेंट्स होंगे जो एंटी रैगिंग कमिटीज़ के मेंबर्स होंगे, और उस पर भी बहुत बड़ा एक्शन हो सकता है, उन स्टूडेंट्स पे एक्सपेल हो सकते हैं कॉलेज से, आप समझ रहे हैं। और ये मैं सोचिएगा कि दुश्मनी बढ़ेगी, कुछ नहीं, बाद में दोस्ती ही बनती है, बट इनिशियली ये प्रॉब्लम थोड़ा सा आती है। तो गाइज कुछ ऐसी रैगिंग टाइप की होती जो कि अंडरस्टैंडिंग होती है, मेरी भी हुआ था, बट वो मेरे फ्रेंड थे, वो सीनियर थे, मेरे फ्रेंड थे, तो एक बातचीत हुई थी, तो उसको मैं रैगिंग हर चीज़ को नहीं, जैसे मुझसे बोला गाना गाइए, किसी ने बोल दिया तो मैंने गा दिया। अब मुझे लगा कि वो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि वो नहीं है, बट अगर वो फोर्सफुल हो रहा है और वो लग रहा है कि वो कोर्जन है या कुछ ऐसा फालतू का सिस्टम लग रहा है, तो आप उसको कंप्लेन करिए बिना डरे, इन नंबर्स पे कॉल करिए, कॉलेज अथॉरिटीज़ को पहले तो रीच करिए, ज़्यादा हो रहा है डायरेक्ट 100 नंबर पे कॉल करिए, कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं नहीं डरा, इस वजह से मेरे साथ बहुत कम हुआ, पर जो डरते हैं उन्हीं के साथ होता है, ये ध्यान रखिएगा। और डरने का नहीं, इन चीज़ों में अगर आप डरेंगे तो आपको ज़्यादा डराएंगे। और मैं एक वीडियो और बनाना चाहूँगा, इसमें अपने थोड़ा और स्टोरीज वर्क शेयर करना चाहूँगा कि मेरे साथ और क्या क्या इसमें इंसिडेंट्स हुए हैं। थैंक यू गाइस, डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड बाय बाय।